आगे बढ़ेंगे, बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की पेशी हुई है। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की आज पेशी होनी है राउस एवेन्यू कोर्ट में। सिसोदिया की होगी पेशी, कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का पर लिया है संज्ञान। पेशी के लिए सिसोदिया को जारी हुआ था समन। राउस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की होगी पेशी, तो कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, देखिए, आबकारी नीति मामले में सिसोदिया की आज पेशी होनी है, ईडी केस में ये पेशी देखने को मिलेगी, क्या कुछ रहने वाला है इस दौरान? जब दिल्ली हाईकोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई हुई सीबीआई वाले मामले में, तब भी मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, तब भी दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि अगर मनीष सिसोदिया को इस स्टेज पर हम जमानत देते हैं और इन्हें बाहर करते हैं तो निश्चित रूप से वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ईडी और सीबीआई दोनों ही अलग अलग जो दलीलें हैं वो अलग अलग कोर्ट्स में पेश किए जा रहे हैं ईडी और सीबीआई की ओर से। आज चूंकि ईडी वाले मामले में कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली है, और सबसे बड़ी बात है कि जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है उसको लेकर जो राउस एवेन्यू कोर्ट है वो मनीष सिसोदिया का भी पक्ष जान सकता है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या राउस एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया को राहत देता है कि नहीं देता है, क्योंकि लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से तमाम दलीलें दी गई। आपने देखा कि जब पिछली बार मनीष सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया तो किस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये आरोप लगा दिया कि मनीष सिसोदिया के साथ कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की की है। तब दिल्ली पुलिस को बकायदा सफाई जारी करनी पड़ी और दिल्ली पुलिस ने कहा कि न्यायिक हिरासत में कोई भी व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से वो मीडिया में बयानबाजी नहीं कर सकता है, और हमने अपने नियम का पालन किया, किसी भी तरीके से मनीष सिसोदिया से बदसलूकी नहीं हुई। लगातार मनीष सिसोदिया की ओर से ये कोर्ट रूम में दलील दी जा रही है कि चूंकि उनके पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके अलावा मनीष सिसोदिया दिल्ली के माने जाने चेहरे हैं और इतनी दिनों तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे तो उनकी छवि को नुकसान होगा। ये भी कहा जा रहा है कि जिन अन्य लोगों को आरोपी इसमें बनाया गया है उसमें कई लोग जमानत पर बाहर है, तो कहीं ना कहीं उसको आधार बनाने की कोशिश मनीष सिसोदिया की ओर से लगातार पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तब की गई थी और इस बार भी कहीं ना कहीं की जा सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया जाता है, खासतौर पर बताया जा रहा है करीब 2 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। संभवतः अगर कोई केस नहीं, पहले कोई कई केस ऐसे हैं जिन पर जल्द भी सुनवाई हो जाती है, तो इनके केस में अगर जल्दी सुनवाई हो तो देखना होगा कि राउस एवेन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया मामले में आज क्या कुछ कहता है, क्या कोई अगली तारीख देता है या कोई राहत मनीष सिसोदिया को दी जाती है। फिलहाल अगर हम बात करें तो पिछली सुनवाइयों की दौरान जिस तरीके से दलीलें और तर्कें दी गई थी दोनों ओर से, चाहे ईडी की बात करें या मनीष सिसोदिया की बात करें, तो फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका हाल ही में मनीष सिसोदिया को लगा है। ऐसे में आज देखना होगा कि मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पर क्या कुछ दलीलें और तर्कें दी जाती हैं, क्योंकि ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल किया है तो ईडी ने बाकायदा उसमें बताया होगा कि क्या कुछ अभी तक ईडी ने जाँच किया है, क्या कुछ मनीष सिसोदिया से पूछताछ में पता चला है और क्या ईडी को अभी और करना है, क्योंकि लगातार ईडी जब भी मनीष सिसोदिया मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ईडी यही कह रही है कि हमें और भी पूछताछ करना है, और भी नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, अन्य आरोपियों को पकड़ना है, तो निश्चित रूप से तमाम दलीलें ईडी की ओर से भी दी जा रही है, मनीष सिसोदिया की ओर से भी दी जा रही है। अब देखना होगा कि आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होती है तो मनीष सिसोदिया की ओर से खासतौर पर क्या कुछ दलीलें दी जाती है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।